अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंगार तेज़ बुखार और गर्मी से बचने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद पर तमाम दलाइल पेश किए और कौम पर सल्तनत वक्त पर ख़ुद अपने ख़ानदान और ख़ास तौर से अपने बाप पर अकीदाए तौहीद को बेनकाब किया, शिर्क से मना किया, मगर वक्त के बादशाह और अवाम ने फैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला दिया जाए और उसकी कार्रवाई को पूरा करने के लिए आग का इला व दहकाया गया। लाखों लाख मन लकड़ियां लोग सवाब समझ कर लाए। पूरी तैयारी के साथ अवाम की भीड़ भी जमा हुई। शोर हंगामा, चीख पुकार, ढोल बाजे की घन गरज पर खूब नाच कूद कर अपने जलील माबूदों को बदला लेने को गम व गुस्से में फिरे हुए मजमे के आग के इलाह के पास जमघट्टा लगा। इधर आग में हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम को झोंकने की तरगीब ये की गई। एक बड़ा सुतून खड़ा किया गया, ऊपर हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में बांधकर आग में धीरे धीरे उतारने की तदबीरें की गई और आग के करीब जैसे ही हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिस्म आया तो तमाम आग हुक्म इलाही के तहत गुलशन हो गई और भड़कती हुई आग को अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक़ में ऐसी राहत वाली ठंडक में तब्दील हो जाना पड़ा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी किस्म की तकलीफ ना हुई। अब उसके बाद भूत परस्तों के चेहरे जिल्लत से जैसे कुछ बने होंगे उसका अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं। भूतों की बेइज्जती बहुत पहले हो चुकी थी, अब भूत परस्तों की तजलील भी खूब हुई। लीजिए आप भी मुलाहिजा फरमाइए वो अल्फाज जिनमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आग को ठंडी और गुले गुलजार होने का। कुल्ला या नारू कुनी बर्दं व सलामन अला इब्राहीम, कुल्ला या नारू कुनी बर्दं व सलामन अला इब्राहीम। हमने अपना हुक्म जारी फरमाया, ए आग तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा। इस आयत की रोशनी में उलमाए कराम और माहिरीन ने दुआ की तासीर ये बताई है कि तेज़ बुखार और सख्त गर्मी से बचने के लिए इस दुआ का इस्तेमाल किया जाए। सख्त तेज़ बुखार होने पर गीले पानी की पट्टी पेशानी पर रखकर इस आयत को पढ़कर दम करने से इंशाल्लाह बुखार की शिद्दत कम होगी।